मोदी ने मॉस्को में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एटम सेंटर का दौरा किया। जो हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एटम केंद्र का दौरा करने वाले हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मॉस्को में उसी एटम केंद्र का प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और उस एटम केंद्र पर जाकर के वहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री चीज़ों को समझ रहे हैं इस एटम केंद्र का दौरा करके। ये तस्वीरें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं और इस एटम केंद्र की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी ले रहे हैं। तो एटम केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मॉस्को में और ये तस्वीरें आप उसी की देख रहे हैं। और ये जो एटम केंद्र है, ये इसका दौरा प्रधानमंत्री का कितना महत्वपूर्ण है और इस एटम केंद्र की क्या कुछ खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमृत, ये एटम केंद्र का दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल तो था ही, तो प्रधानमंत्री ने यह दौरा किया है, क्या कुछ खास है इस एटम केंद्र के दौरे में और इस एटम केंद्र की क्या विशेषता है? देखिए, एसेंशली आप एक सिग्नलिंग कर रहे हैं इसको चूज करके कि आप जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको आप पीसफुल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी आशंका ये जताई जा रही थी कि क्योंकि रूस के पास न्यूक्लियर हथियार हैं तो क्या यूक्रेन पर कोई न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो रशियंस ने इंसिस्ट किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इसको, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर हैं, तो इसको अगर विजिट करेंगे तो एक तरह की दुनिया को सिग्नलिंग होगी कि रूस जो न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस पर की एडवोकेसी करता है। तो प्रधानमंत्री एसेंशली इस, जैसे आपने देखा इन विजुअल्स में, के इंटरैक्ट किए और उनको ब्रीफिंग दी गई और राष्ट्रपति पुतिन खुद उनके साथ मौजूद थे, तो उनको एक तरह से ब्रीफ किया गया कि ये कैसे यूज करते हैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को। और क्योंकि इंडिया और भारत और रूस की भी एक न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप है, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, तो भारत ने जो कुडानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो उसके रूस की मदद से बनाए हैं, तो और दो रिएक्टर्स 1000 मेगावाट के तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, तो और एडवांस स्टेजेस पे हैं। तो ये सिग्नलिंग है, ये सिंबलिज्म है। मैं आपके पास लौटता हूँ, आप हमारे साथ फोन पर फोन लाइन पर बने रहिएगा, आपके पास अभी लौटता हूँ। कुछ जानकारी देते हैं इस एटम केंद्र, एटम प्रदर्शनी केंद्र के महत्व पर। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने और परमाणु का उपयोग नागरिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए इस एटम सेंटर की भूमिका बड़ी अहम है। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को स्थित इसी एटम सेंटर को देखा, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं, और राष्ट्रपति पुतिन भी इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे। ये देखिए किस तरह से उस मॉडल का भी अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं। अमृत, हम बात कर रहे थे इस एटम प्रदर्शनी केंद्र की अहमियत की, इसकी खासियत की, जो कि मॉस्को में स्थित है। इसमें तमाम चीज़ें जो कि परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो अब तक, जिसे कहते हैं कि मानव सभ्यता को एटम के बारे में, उसके उपयोग के बारे में जितनी जानकारी है, लगता है कि ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। अमृत, आप हमारे साथ बने हुए हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप याद करें तो रशिया ने प्रपोज किया था कि इंडिया टेक्नोलॉजी को, वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है और बिल्ड और ऑपरेट करने को तैयार है जो लो पार
न्यूक्लियर पावर जनरेशन फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन फॉर्मल टॉक्स करेंगे समिट में, तो ये उसका एक अहम हिस्सा होने वाला है, क्योंकि जो जनरल रोजेटॉम जो ये रोजेटॉम जो सेंटर है जिसको प्रधानमंत्री ने अभी देर कुछ देर पहले विजिट किया, ये असेंशली जैसे आपने बताया कि रिसर्च न्यूक्लियर एनर्जी पर, कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे यूटिलाइज की जाए पीसफुल पर्पसेस के लिए। हालांकि आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी और डिफेंस के लिए भी, आपने एक रशियन सबमरीन लीज पर ली हुई है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन लीज पर ली हुई है, तो आपकी जो कोऑपरेशन है वो एटॉमिक एनर्जी की सिविल के क्षेत्र में भी है, डिफेंस के क्षेत्र में भी है, पर युद्ध के लिए या डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए या बम बनाने के लिए ना आप वकालत करते हैं और रशिया भी यही कहता है। हालांकि उसके पास न्यूक्लियर, आप दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, आप दोनों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पर आप दोनों ये कहते हैं कि ये हम यूज नहीं करेंगे। और तो आज का ये जो दौरा था वो एसेंशली प्रधानमंत्री ये जानना चाह रहे थे और देखना चाह रहे थे आप कि कैसे रशिया ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पावर को एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से कैसे उस पर आगे बढ़त पाई है और भारत कैसे उस राह पर चल सकता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी है, आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे एड्रेस कर रहे हैं तो न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी सिक्योरिटी लाना एक बहुत अहम रोल उसमें प्ले करता है। और जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एटम प्रदर्शनी केंद्र का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या इस बार की शिखर सम्मेलन में, दोनों देशों के शिखर सम्मेलन में, इससे जुड़ा हुआ भी कुछ, इससे जुड़ा हुआ चर्चा, इससे जुड़ी कोई समझौता, कोई MOU, ये सब भी कुछ हो सकता है क्या, टेक्नोलॉजी को लेकर के, एटम टेक्नोलॉजी को लेकर? अमृत, बिल्कुल बहुत अहम अब समझौता होता है कि नहीं वो देखना होगा कि क्या क्या MOU साइन होते हैं, पर इस पर बातचीत जरूर होगी दोनों लीडर्स के बीच में, क्योंकि कुडानकुलम के जो दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो अपने एडवांस स्टेजेस पे हैं। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अगर आपको एनर्जी अपनी नीड्स को मीट करना है और उनको जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई हैं, अगर एनर्जी की आपने सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो कैसे लगातार वहां से आपको टेक्नोलॉजी, आपको यूरेनियम, आपको लो पावर्ड रिएक्टर्स ये लगातार मिलते रहें और ये कोऑपरेशन आपकी बढ़ती रहे, तो इस पर जरूर विस्तार से दोनों लीडरशिप के बीच में बात होगी आज की जो शिखर वार्ता है उसमें। और जिस तरह से कि जो परमाणु ऊर्जा है उसके शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है, भारत में इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए, क्या रूस की तरफ से उन टेक्नोलॉजीज को भारत लाने पर बात हो सकती है और उससे भारत को खास तौर पर जिसे कहते हैं कि एक सस्टेनेबल एनर्जी ऊर्जा उत्पादन में एक काफी बड़ी सहायता मिल सकती है? जी, ये आज की वार्ता का मुख्य बिंदु रहेगा, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु एनर्जी लाना और वो टेक्नोलॉजी और यूज करना प्रधानमंत्री, क्योंकि रूस ऑलरेडी आपको ये टेक्नोलॉजी ऑफर कर चुका है, आप चाहेंगे कि इसके जो कॉन्टूर्स हैं वो वर्कआउट करें और आपकी जो न्यूक्लियर एनर्जी की कोऑपरेशन है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी की सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, रूस उसका एक बड़ा बड़ा हिस्सा है, और भी कुछ मुल्क हैं पर रूस उसका बड़ा हिस्सा है। कुडानकुलम आपका एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी 2000 मेगावाट के पावर यूनिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, पर भारत की जितनी आबादी है, भारत की जितनी जिस ग्रो रेट पर भारत ग्रो कर रहा है, उस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए या उस ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए आपको ग्रोथ इंजन्स गजल करने होंगे, जिसके लिए आपको एसेंशियली एनर्जी सप्लाई चाहिए। और एनर्जी सप्लाई जब आप बात करते हैं कि हम दुनिया के क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको
कैसे मिटिगेट किया जाए, हम उसमें आप एक ग्लोबल लीडरशिप प्ले करना चाहते हैं तो आप अपने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट जिस हिसाब की अभी रिसर्च की स्थिति है दुनिया में, आप सोलर पावर विंड पावर इन पर रिसर्च तो हो रही है, आपने भी पहल की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इतने बड़े लेवल पे लेके जाना और फ्रांस के साथ शुरू करना, पर आपको उस ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का न्यूक्लियर एनर्जी आज भी सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है, तो आप न्यूक्लियर एनर्जी शांतिपूर्वक पूर्ण चीजों के लिए तो करें ही, पर एक बड़ी समस्या है फुकुशिमा के एक्सीडेंट के बाद कि कैसे आप इसको सेफ उसके सेफ गार्ड्स कर सकें, तो वो वैसी टेक्नोलॉजीज और वैसी रिसर्च के कल को अगर कोई दुर्घटना होती है, आपको भोपाल की आपने स्थिति देखी थी उससे कई गुना भयानक स्थिति होगी, क्योंकि भोपाल केमिकल था और ये न्यूक्लियर पार है, तो इसको ऐसी टेक्नोलॉजीज लाना जहां जिसमें इनबिल्ट सेफ्टी गार्ड्स हों, तो ये इसमें रूस ग्लोबल लीडर है, जैसे इस सेंटर में काफी कटिंग एज रिसर्च होती है जिसमें प्रधानमंत्री जिसका दौरा प्रधानमंत्री ने किया, तो आज की वार्ता में ये मुख्य बिंदु रहेगा। जी जी, जिस तरह से अमृत हम जानते हैं कि एक वो भी दौर रहा जब क्रायोजेनिक इंजन भारत को खुद बनाना पड़ा, क्योंकि उस समय पश्चिमी देशों का दबाव था, लेकिन अब जाकर ऐसा लगता है कि दौर बदल गया है और अब रूस से इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को आसानी से मिल सकती है। जी, अब तो आपने थ्रेशोल्ड पार कर लिया ना, अब तो आपने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, अब आप घोषित न्यूक्लियर पार हैं, तो अब आपकी आप पर जो रिस्ट्रिक्टिव रेजिम्स लागू होती थी वो आपने धीरे 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 करके कूटनीति के सहारे दुनिया को कन्विंस किया और अपनी मंशा साफ की कि देखें हम इसको कहीं किसी के अगेंस्ट नहीं यूज करना चाहते, पर हम एक पैरिटी लाना चाहते हैं। बाकी आपका जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ओपन है दुनिया को देखने के लिए कि आप उस पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो रूस उसका एक अहम हिस्सा है और भारत की रूस ने लगातार इस पे मदद की है और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से यही आह्वान करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप है ये लगातार चलती रहे और आगे और इसको मजबूत कैसे किया जाए। ठीक है, ठीक है अमृत।